प्रयागराज आए जल शक्ति कैबिनेट मंत्री एवं प्रयागराज जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं को नवरात्रि एवं नव संवत्सर की बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की शक्ति है, उनके ही बल पर हमारी सरकार बनी है। कार्यकर्ताओं द्वारा लाई गई सभी जन समस्याओं का निराकरण करना हमारी प्राथमिकता है। गरीबों की कल्याण कैसे होगा, गरीबों की खुशहाली कैसे होगी और हमारे देश का नाम विश्व में कैसे आगे बढ़ेगा और उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा हम लोग कैसे करेंगे, उस लक्ष्य के लिए हम सब काम करते हैं और एक गरीब की संपूर्ण खुशहाली हम सबके जीवन का लक्ष्य है। इस अवसर पर भाजपा उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल एवं मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने स्वरूप रानी हॉस्पिटल में रात्रि के प्रहर ऑपरेशन की संपूर्ण दवा बाहर से लिखे जाने और सरकारी डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा न रोक पाने की शिकायत करते हुए अन्य समस्याओं को रखा। इसके अलावा श्री सिंह ने अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए सभी जन समस्याओं को सुना और तत्काल निराकरण करने का आश्वासन दिया। इसके पूर्व महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं प्रभारी मंत्री प्रयागराज स्वतंत्र देव सिंह के प्रयागराज आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने टैगोर टाउन स्थित मलिन बस्ती फतेहपुर बिछवा में सहभोज किया। उन्होंने मोदी योगी सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किए हुए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरण किया। उन्होंने कहा कि जब इस देश में एक गरीब परिवार का चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी हर योजनाएं गरीबों की हितों के लिए बनती है। मोदी और योगी की सरकार गरीबों की सेवा में समर्पित रहने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि गरीबों को 2.5 लाख रुपए की फंडिंग आवास बनाने के लिए, गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख का आयुष्मान योजना का निःशुल्क इलाज, निःशुल्क उज्ज्वला गैस का कनेक्शन और जन औषधि केंद्र द्वारा सस्ती दवाया और रेड़ी पटरी पर व्यापार करने वालों के लिए 10,000 के ऋण योजना का लाभ आज गरीबों को प्राप्त हो रहा है। पहले लोग आते थे काशी में तो एक बुरा हाल, मतलब एक बुरा समाचार लेकर जाते थे। मैं सिंगापुर में गया था, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काशी आते हैं तो वह निवासी, वह सिंगापुर वासी बताया कि मैं काशी गया था तो भूल से मैं ई रिक्शा चालक को 1,000 रुपया दे दिया था और उसने 500 वापस कर दिया। यानी एक ई रिक्शा चालक काशी के कारण देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा, दूसरे देश में बढ़ा। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे सभी विकास की योजनाएं हो, और आज जो विकास की योजनाएं आज भी लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है आदरणीय मोदी जी का, काशी के साथ साथ पूरे राज्य और देश का सम्मान बढ़ा है और विकास कार्य में गरीब की खुशियाँ कैसी होती है, गरीब का कल्याण कैसे होता है और गरीब को लखपति कैसे बनाया जाता है। यदि किसी को सीखना है तो आदरणीय मोदी जी सीखे। एक गरीब परिवार को पक्का मकान देना, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड देना, बिजली का कनेक्शन देना, गैस का कनेक्शन देना, किसान सम्मान निधि देना, यानी उसका सम्मान बढ़ाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वास्तव में आदरणीय मोदी जी के कारण ही ये विकास संभव हुआ। आज कानून का राज है आदरणीय योगी जी के शासन में, इसलिए मोदी जी के आने के कारण वहाँ विकास। इस दौरान प्रमुख रूप से अवधेश चंद्र गुप्ता, जिलाध्यक्ष गंगा पार अश्वनी दुबे, जिलाध्यक्ष यमुना पार विभव नाथ भारती, कुंज बिहारी मिश्रा, पार्षद किरण जायसवाल, शशि वार्षणेय, मुरारी लाल अग्रवाल, वरुण केसरवानी, रमेश पासी, प्रमोद मोदी, गिरजेश मिश्रा, सचिन जायसवाल, राजन शुक्ला आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।